नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी मयंक चौधरी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में डिस्कवर विद मयंक। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी भी हमारे देश में COVID-19 खत्म नहीं हुआ है, तो अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ सारी प्रिकॉशंस लें, मास्क पहने और किसी भी अनवांटेड चीज़ को ना छुएं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि पुरानी वीडियोज़ में काफ़ी कमेंट्स आए और लोगों ने मुझसे ये पूछा कि आखिर कितने टाइप के सोलर पैनल्स होते हैं और उनके लिए कौन सा सोलर पैनल बेस्ट होगा। सेकेंडली, उन्होंने ये भी पूछा कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं, एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी, अगर वो हम ग्रिड को दे रहे हैं तो इन रिटर्न ग्रिड हमें क्या दे रहा है, क्या वो हमें पैसे देता है या हमारे बिल में क्रेडिट्स देता है। थर्डली, मैंने सोलर पैनल की हाइट बहुत ऊँची रखी है तो मैं इसे साफ़ कैसे करता हूं? आज की इस वीडियो में हम इन तीन पॉइंट्स को कवर करेंगे। और हाँ, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ऊपर दिए गए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो डालते हैं तो आप तक उसकी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे सोलर पैनल की वीडियो देखना चाहते हैं जो हमने पीछे बनाई थी, तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे सोलर पैनल के बारे में जान सकते हैं कि मैं अपने घर में कितना बड़ा प्लांट यूज़ करता हूँ और उसका क्या फ़ायदा है। सेकेंडली, अगर एक जो मेन क्वेश्चन लोगों ने मुझसे पूछा कि हम अपने घर में सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए वो आगे क्या क्या स्टेप्स लें, तो दोस्तों उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाला है, एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं और उस फॉर्म को भरने के बाद मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको गाइड करेगी कि आपको कौन सा सोलर पैनल अपने घर में लगवाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि कितने टाइप के सोलर पैनल्स बाजार में अवेलेबल हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ सोलर पैनल्स। और हाँ, इस समय मैं अपनी छत पे हूँ जहाँ पे मेरा सोलर पैनल आपको पीछे दिख ही सकता है। आज धूप बहुत अच्छी निकल रही है तो उसकी वजह से मुझे ये अपने चश्मा लगाना पड़ा मुझे ये वाला। तो ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के कि चश्मा अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कितने टाइप के सोलर पैनल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सोलर पैनल मार्केट में अवेलेबल है वो होता है ऑफ ग्रिड प्लांट की। ऑफ ग्रिड प्लांट में सोलर पैनल जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो बैटरी में स्टोर करते हैं। बैटरी में स्टोर करने के बाद वो आपको उसका बैकअप देता है, मतलब आपके लिए जितनी भी सोलर पैनल आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा वो बैटरीज में स्टोर करेगा, बैटरीज आपको उसका बैकअप देंगी। अब ये कहाँ के लिए बेस्ट होता है, किन जगह पे आपको ऑफ ग्रिड प्लांट लगाना चाहिए? अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बिजली बहुत ही कम आती है तो आपके लिए सबसे बेस्ट सोलर पैनल होगा ऑफ ग्रिड प्लांट। बट इस प्लांट के अंदर आपको मेंटेनेंस कॉस्ट देनी पड़ेगी जो कि होती है बैटरीज की रिप्लेसमेंट। हर 5 से 7 साल के बाद आपको बैटरीज इसके अंदर रिप्लेस करानी पड़ेंगी और वो आपके लिए एक एडिशनल कॉस्ट होती है। बट ये प्लांट उन जगहों के लिए सबसे बेस्ट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब हम बात करेंगे ऑन ग्रिड प्लांट के बारे में, जो कि सेकंड टाइप ऑफ सोलर पैनल जो मार्केट में अवेलेबल आपको मिलेगा। ऑन ग्रिड प्लांट की वर्किंग इस तरह से होती है, जितनी भी सोलर पैनल एनर्जी जनरेट करता है वो स्मार्ट इन्वर्टर के थ्रू आपके डायरेक्टली पैनल में जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पैनल जो आपके घर में होता है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ ये फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इस ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कट्स बिल्कुल ना बराबर हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है ऑन ग्रिड प्लांट। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप घर पे नहीं हैं, आपका सोलर पैनल काम कर रहा है, तो जितनी भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर रहे हैं वो वापस ग्रिड को जा रही है, बिकॉज ये वाला प्लांट डायरेक्टली ग्रिड के साथ कनेक्टेड होता है। मैंने अपने घर में भी सोलर पैनल जो लगवा रखा है वो एक ऑन ग्रिड प्लांट है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मेरे से काफ़ी लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा कि आपके घर में ऑन ग्रिड प्लांट तो लगा हुआ है जो कि डायरेक्टली ग्रिड के साथ कनेक्टेड है, तो रात को आप बिजली कहाँ से लेते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि रात को मैं बिजली जितनी भी लेता हूँ वो मैं ग्रिड से लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने दिन में ग्रिड को 10 यूनिट्स वापस करी हैं तो रात को मैं उनसे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी लेता हूँ वो नेट मीटर के थ्रू फाइनल एडजस्टमेंट हो जाता है। तो मेरे घर में कोई बैटरीज नहीं है, ऑन ग्रिड प्लांट के साथ कोई बैटरीज नहीं लगती, मेरे लिए ग्रिड जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिजली विभाग है वो एज अ बैटरी का काम करता है। तो अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बिजली के कट्स बिल्कुल ना के बराबर हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लांट रहता है ऑन ग्रिड प्लांट। दोस्तों, अब हम बात करेंगे
थर्ड एंड द लास्ट ऑप्शन जो कि होता है हाइब्रिड सोलर प्लांट। हाइब्रिड सोलर प्लांट के अंदर सोलर पैनल्स बिल्कुल सेम रहता है, सब कुछ सिस्टम सेम रहता है, बट और ये वाला प्लांट ग्रिड के साथ भी कनेक्टेड रहता है, बट इसके अंदर एडिशनल एक चीज़ होती है जो कि होती है बैटरीज। इसकी वर्किंग इस तरह से होती है कि सोलर पैनल जितनी भी एनर्जी जनरेट करता है वो सबसे पहले आपकी बैटरीज को चार्ज करेगा। बैटरीज चार्ज होने के बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है सोलर पैनल तो वो आपको आपकी मेन पैनल में देगा, अगर आपकी कंजम्पशन नहीं है तो वो वापस ग्रिड को देगा। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास अगर लाइट चली जाती है तो बैटरी का बैकअप भी रहता है, और अगर हम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं तो वो हम वापस ग्रिड को देते हैं। तो बट इसके अंदर सबसे बड़ा एक आपको पॉइंट ये है कि इसके अंदर भी आपको मेंटेनेंस कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, बैटरीज रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको इसके अंदर भी बेयर करनी पड़ेगी, जो कि 5-6 साल के बाद बैटरीज ख़राब हो जाएंगी और बैटरीज आपको रिप्लेस करानी ही पड़ेंगी। अच्छा ऑप्शन है अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ लाइट कम भी जाती है और आपको एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं पे करना, तो आप हाइब्रिड ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 3 तरह के सोलर पैनल्स जो मार्केट में इस टाइम पे अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इन तीनों सोलर पैनल्स प्लांट के बारे में और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक डाला है, उसके अंदर आप अपनी डिटेल्स फिल आउट कर सकते हैं और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपको गाइड करेगी कि कैसे आप अपने घर के लिए बेस्ट सोलर पैनल्स प्लांट चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सेकेंड पॉइंट के बारे में, जो कि है लोगों ने मुझसे पुरानी वीडियो में काफ़ी बार पूछा कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को दे रहे हैं तो वो ग्रिड आपको कैसे पैसे देती है और कब पैसे देती है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मेरे घर में लगा हुआ है एक ऑनग्रिड प्लांट। अगर मैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हूँ तो वो नेट मीटर के थ्रू वापस जाती है ग्रिड को। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने महीने में 600 यूनिट्स जनरेट करी हैं अपने सोलर पैनल की मदद से और मैंने कंज्यूम करी हैं सिर्फ 100 रीडिंग्स, तो 500 रीडिंग्स वापस चली जाती हैं ग्रिड को। उस 500 रीडिंग्स का मेरे जो बिल आता है वो बिल आता है नेगेटिव 500 का। दैट मींस मुझे कोई पैसा नहीं देना होता, सिर्फ जो फिक्स चार्ज है वो पे करना होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जो कि है कि मैं अपने सोलर पैनल्स को साफ़ कैसे करता हूँ। दोस्तों सोलर पैनल्स को साफ़ करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता, इसको सिर्फ हम नॉर्मल पानी से साफ़ करते हैं और एक वाइपर की मदद से उसको साफ़ कर देते हैं। इसकी एक डिटेल वीडियो हम ज़रूर जल्दी लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए, उसके अंदर मैं ये दिखाऊंगा कि आखिर हम सोलर पैनल्स को कैसे पानी से साफ़ कर सकते हैं। और हाँ, हम ये सफाई का प्रोसेस हर 15 दिन में रिपीट करते हैं, क्योंकि अगर आपके सोलर पैनल्स गंदे हैं तो वो उनकी जो आउटपुट है जनरेशन है वो कम हो जाती है। तो अगर आपके घर में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं तो ये प्रोसेस आपको हर 15 डेज में रिपीट करना है, जिससे सोलर पैनल साफ़ रहे और वो मैक्सिमम एनर्जी जनरेट करके आपको दे पाए। दोस्तों आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं सोलर पैनल्स से रिलेटेड वीडियोस क्यों बनाता हूँ, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो ये मेरा प्लांट है ये मैंने अपने घर में पर्सनल यूज़ के लिए लगा रखा है, बिकॉज मैं ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना चाहता हूँ। जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहिए। तो जो मेरा प्लांट है ये किसी भी कंपनी के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरा एक इंडिविजुअल पर्सनल प्लांट है जो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगवाया है बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रमोट ग्रीन एनर्जी। मेरी वीडियो देखने के बाद अगर 1-2 बंदे भी इस प्लांट को अपने घर में लगवाते हैं, अगर मुझे 1% भी ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने घर में सोलर पैनल लगवाते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दोस्तों आगे जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ रही है, आप सबको भी अपने घर में सोलर पैनल ज़रूर प्लान करना चाहिए। सोलर पैनल्स एक ऑन ग्रिड प्लांट अगर अपने घर में लगवाते हैं तो उसकी कोई भी रिकरिंग मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती, सिर्फ आपको उसे साफ़ करना होता है, जो आप खुद भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं ट्राई करूंगा कि उसको जवाब दे पाऊं उसका। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द फिर मिलेंगे नई वीडियोस के साथ, और प्लीज़ चश्मे के बारे में कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।